हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। हल्ला बोल करेंगे मूलभूत सुविधाओं के अभाव के खिलाफ। जी हाँ, तो सोहना जखोपुर इंद्री रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया है। मूलभूत सुविधाओं का यहां पर अभाव है, बिजली पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हम हरियाणा को विकसित करने की बात करते हैं, समृद्ध राज्यों में इसकी गिनती करवाने की बात करते हैं, लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो इस प्रदेश में तो कैसे ये प्रदेश विकसित हो पाएगा, कैसे और ज्यादा यहां पर संसाधन आ पाएंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि गांव में चार दिनों से बिजली पानी नहीं आ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि लोगों के घरों में पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिससे परेशान होकर लोगों ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने के बाद मौजूद लोगों को समझाकर जाम खुलवाया और दो घंटे के अंदर बिजली का ट्रांसफार्मर लगाए जाने की बात कही। सवाल बहुत अहम है, आखिर क्यों नहीं है बिजली पानी, प्रशासन क्यों इसके सुध नहीं लेता, कब सुधरेंगे हालात और क्या जाम करने से ही अब आपकी समस्याओं का हल होगा, आपके इलाके में बिजली पानी का क्या हाल है, इस सवाल के जवाब में आपको जुड़ना है, हल्ला बोल करना है ऐसे सोए हुए प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ। इस जैसे बिजली विभाग यहां पर सोया हुआ था, लेकिन जब लोगों ने रोड जाम किया, आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए, तो दो घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन आखिर कैसे मिल गया, कैसे ये कहा गया कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाएगी। ये तभी है जब तक जनता अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं होती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर बार ऐसा ही हल्ला बोल करना पड़ेगा, सवाल यही कि क्या हर बार रोड जाम करने की स्थिति आएगी, क्या अपने से इन अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का कोई भान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो हल्ला बोल में आपको अपनी राय देनी है, जुड़ना है इस कार्यक्रम में, कॉल कीजिए 0124-482-90-1112। ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। आपके इलाके में क्या है बिजली पानी का हाल, जरूर जुड़िए इस कार्यक्रम में, जुड़कर हमें बताइए क्या बुनियादी सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं। हम प्रदेश के विकसित होने की बात करते हैं, देश के विकसित होने की बात करते हैं, और काफी अच्छे राज्यों में गिना जाता है हरियाणा, लेकिन बिजली पानी का हाल जब यहां पर ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी के जो पिछड़े राज्य हैं उनका आलम क्या होगा। हम राजस्व के मामले में अच्छे हैं, हमारे यहां से सबसे ज्यादा सैनिक हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, बिजली पानी की किल्लत है, पानी के लिए कई बार महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बिजली आती नहीं है, लिहाजा लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर कुरुक्षेत्र से राम सचदेवा है फोन लाइन पर। नमस्कार राम जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये बिजली मनोहर सरकार खट्टर जी बतावे तो बहुत कर, क्या हम हर चीज देंगे हर वो करेंगे, ये मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं भी मतलब 1800 में बिजली का बिल आ गया था, वो आ गया था, लेकिन वहां मैं गया हूँ तो कंप्यूटर पर उनके पास बिजली नहीं थी, वो कलर को फिर मैं भी मतलब विजिलेंस डिपार्टमेंट रिटायर हुआ हूँ, जब मैंने उनको अपना वो दिखा रहा एक्शन के पास मैं सीधा ही चला गया, मैं कहा रोज भाई मेरे से भी नहीं आ जाता है इतनी दूर, मैं भी 73-74 साल की मेरी उम्र है, सब कुछ मेरे से रोज नहीं आ जाता, तो मैं एक्शन साहब से सीधा मिला और उन्होंने मतलब जो अपने क्लर्क को के मेरे जो कंप्यूटर से रसीद नहीं दूसरे तरफ से रसीद काटी, बताओ ये हाल है, कहते दूसरी तरफ कहते जल ही जीवन है, बिजली ही होगी हर दिन, ये सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब वो कर रहा हूँ, और हर दिन देखो 3-4 घंटे बिजली नहीं आती और बिजली के बिना आपको पता है एक मिनट में गुजार। चलिए राम सचदेवा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। हमारे साथ लाजपत है अगले दर्शक फोन लाइन पर। नमस्कार लाजपत जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया। बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों पर ये आरोप कि फोन तक अटेंड नहीं करते हैं विभाग के अधिकारी। हमारे साथ लाजपत एक बार फिर से हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार लाजपत जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। मैडम जी, एक तो सरकार एक्शन पूरा नहीं लेती अधिकारियों पे। जी जो नंबर होता है इसको ये ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, जनता फोन करती है जो बार बार भाई हमारे कार्य करवाए,
एक तो इन पर एक्शन लेना चाहिए, जो भी अधिकारी ब्लैक लिस्ट में नंबर डालता है इनको अवगत नहीं कराएंगे तो इनको कैसे पता लगेगा जी? अवगत कराते हैं तो ये काम नहीं करते हैं। हमारे के अंडर ब्रिज का मैंने काफी बार दे चुका हूँ और चैनल पे आप लोगों ने दिखाया भी, अभी तक कार्य नहीं हुआ। और जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार का नहीं, सिर्फ इनको वोट वोट चाहिए और कुछ नहीं है। बिल्कुल लाजपत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैथल से हमारे साथ लाजपत जुड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि अगर फोन ज्यादा करिए तो नंबर जो है अधिकारी ब्लैकलिस्टेड कर देते हैं। हमारे साथ जींद से महेश शर्मा है अगले कॉलर फोन लाइन पर। नमस्कार महेश जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। आपके आपके चैनल के माध्यम से 3-4 बार हल्ला बोल में भी हमने रिक्वेस्ट कर ली जी, डीसी साहब से भी मिल लिए जी, लेकिन सफीतों पानीपत रोड पे उत्सव होटल है एक जी, और उसके सामने बिल्कुल बंद गिरता है रोड, 24 घंटे रोड चालू रहता है, ये इतना गंदा माहौल है यहाँ और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार आपसे मिल लिया, आपके चैनल पे भी रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी आवाज जो है एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचे। बहरहाल आज का मसला अलग है, लेकिन चूंकि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आप चाहते हैं उसका हल हो, तो जरूर इसका हल भी हम करने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे बन पड़ता है हम जरूर करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आज का मसला यही है कि आखिर मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग अब जब रोड जाम करेंगे तभी उसका हल निकल पाएगा क्या? आपके इलाके में बिजली और पानी का क्या हाल है? मूलभूत सुविधाओं का क्या हाल है? हल्ला बोल के जरिए आपको जुड़ना है, अपनी अहम राय को और अपने आक्रोश को यहां पर रखना है ताकि सोया हुआ प्रशासन और अधिकारी जागे। 4 दिन से सुविधाएं नहीं मिल रही थी, सोहना और इंद्री रोड पर इन लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि गांव में 4 दिनों से बिजली नहीं आ रही और हालात इतने बदतर हैं कि लोगों के घरों में पीने तक के लिए पानी नहीं। आप सोचिए, जिनके घरों में पीने के लिए पानी नहीं है वो आखिर बाकी का जो सिस्टम है उसको कैसे सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्योंकि पानी तो बुनियादी जरूरत है। आपको सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक में आपको पानी की जरूरत है, जीने के लिए आपको पानी की जरूरत है। नरेंद्र शर्मा हमारे साथ अगले कॉलर हैं फोन लाइन पर। नमस्कार नरेंद्र जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो जी नरेंद्र जी, बताइए। मैडम ये जो है, ये जो सरकार ने इन्हें टेलीफोन नंबर दे रखा है जी बिजली बोर्ड के, मैडम इस फोन को तो ये उठाते नहीं है। और मतलब जब इनसे कहते हैं ना उठा भी लेते तो कहते थे वो पहले कंप्लेंट करके आओ जब जाएंगे काम के लिए। और फिर इनका जो है ये क्या कहते हैं कि आप यहाँ आओ कंप्लेंट सेंटर पे, 2 किलोमीटर है NS2 परबाम निखेड़ा। और मैडम यहाँ से अब कोई भी आदमी जाएगा जिसपे जाना बस की है वो तो चला जाएगा बाइक से या किसी से, और बड़े बूढ़े आदमी कहाँ से जाएंगे वहाँ? या तो 2 आदमी की ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाए, सेंटर यहाँ बनाया जाए। तो मैडम हमारी तो यही परेशानी है, और एक गंदगी का इतना ढेर पड़ा है, NS2 का काम चल रहा है, गंदगी इतनी 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 पड़ी है कि आप देखोगे तो कहोगे कि हाँ भाई पैसे तो कहते हैं भाई स्वच्छता अभियान चलाओ, स्वच्छता अभियान चलाओ, कुछ नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर मोर्चे पर अव्यवस्था से लोग परेशान हैं और लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। संजय हमारे साथ करनाल से जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। नमस्कार संजय जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। संजय आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है मैम, इंद्री ब्लॉक से बोल रहा हूँ। मैंने अपना मैरिट सर्टिफिकेट बनवाया था, इधर अधिकारी कुर्सियों पे नहीं मिलते हैं। और मेरा जो मैरिट सर्टिफिकेट है 7 मंथ बना, 7 महीने में बना जी। यहाँ पे कैमराज नहीं लगे हुए हैं, ड्यूटी पे ठीक टाइम से नहीं आते, 11-11 बजे जो क्लर्क ड्यूटी पे आते हैं कुछ टाइम टूम पंचुअलिटी है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल संजय हम समझ सकते हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं, तो इंतजार 1-2 घंटे का अपने काम के लिए समय निकालते हैं और फिर वेस्ट करके चले जाते हैं। यहाँ 11-11 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आता जी, ना ही यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए, पता नहीं इनकी अटेंडेंस कैसे लगती है, ऑनलाइन लगती है कैसे लगती है, भरते हैं कुछ पता ही नहीं है इनका जी। बिल्कुल संजय हम समझ सकते हैं, ऐसे लापरवाह जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मनोहर लाल सरकार ने भी ये कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो समय पर अपना काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि आप
आपको अपने दफ्तर में 9 बजे अपनी सीट पर होने की आदत डालनी चाहिए और ये डालनी पड़ेगी क्योंकि यही आपकी ड्यूटी है। लेकिन इन सबके बावजूद ऐसे अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। हमारे साथ राजपाल हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर। नमस्कार राजपाल जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। बिजली पानी की व्यवस्था नांगल जाट में बहुत ज्यादा खराब है जी। और कोई सरकारी कर्मचारी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे जी, ना आवश्यकता बारे ना बिजली बारे जी का भाई। तो ये हतीन हल्का में पड़ता है जी, नांगल जाट का नाम जी। हाँ, तो इसकी ओर कोई ध्यान दिया जाए बिल्कुल। कई बार उच्च अधिकारियों को पानी के लिए बहुत ज्यादा शिकायत कर चुके पर कोई ध्यान नहीं है जी। रेनी वेल का पानी भी नहीं है गाँव में पीने के लिए बिल्कुल भी। बिल्कुल राजपाल जी, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी और ऐसी ही परेशानियों के खात्मे के लिए, उसके हल के लिए ये मंच हमने बनाया है और आज का ये विषय भी इसी से संबंधित है। बहरहाल शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी समस्या को साझा किया। सवाल ये कि हालात कब सुधरेंगे? क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो अपने कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं, क्या कभी जनता की सुध लेंगे? क्या इनको नहीं पता कि किस कदर बिजली और पानी की दिक्कत होती है? इनके घरों में अगर बिजली और पानी की किल्लत हो तो इन्हें कैसा महसूस होगा? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। नक्षत्र सिंह हमारे साथ अगले कॉलर हैं फोन लाइन पर। नमस्कार नक्षत्र जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं जी। मैं ये कहता हूँ जी, हमारे यहाँ एक मेन रोड पे सड़क टूट गई साहब, आज से थोर रोड पे भी पीछे पानी फ्लड है ज्यादा, वो तो ठीक कर दी, पुलिया लगा दी उन्होंने 4-5 दिन बाद। अब जो पानी जहाँ से गया था वो पानी गुजरा वहाँ से, और फिर जो लिंक रोड थे बहुत टूट गए। थोड़ली से जो लिंक रोड है डल्ला मार इसी रोड थोड़ली तक जाता है, वो बहुत बुरी तरह से है, उसमें 10 दिन पानी चला है जी सड़क का। वो सड़क ठीक होनी चाहिए जी। कोई नहीं आया, यहाँ मंत्री भी गांव में चक्कर लगा गए लेकिन वो सड़क की तरफ ध्यान नहीं आया जी। मतलब रोज बच्चों की बसें और सवारी चलती है वहाँ से, तो रोड बहुत खराब है जी। 200-300 गज का वो रोड ठीक होना चाहिए, हमारी ये शिकायत है जी। चलिए नक्षत्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो तमाम इलाकों में यही हाल है, लोग परेशान हैं, अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल करना चाहते हैं, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो नंबर स्विच ऑफ आता है या फिर उन्हें ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है क्योंकि वो सवाल और जवाब से परेशान हो जाते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं सवालों के जवाब क्योंकि उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है इन तमाम सवालों का जवाब देने की। लोगों को सुविधा बोल में आज हम बुनियादी सुविधाओं के अभाव के खिलाफ और तमाम जिम्मेदारियों में नाकाम रहने वाले विभाग और अफसरों के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। मसला सोहना का जरूर है लेकिन पूरे प्रदेश में कमोबेश यही हालात बने हुए हैं। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी की किल्लत है, लोग रोड पर जाम लगा रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर नींद खुलती है अधिकारियों की, कई जगहों पर वो भी नहीं खुलती है। तो आपको भी जुड़ना है, हल्ला बोल करना है ऐसे सोए हुए अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ, कॉल करें 01244829011 या 12 पर, सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई है। हमारे रेगुलर कॉलर राम है गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा समस्या है कि आखिर कब सुधरेंगे हालात। तमाम दर्शकों की मैंने विचार सुने, सबने अपने अपनी कंप्लेंट की, अपना अपना दर्द बताया है जी। मैं तमाम जनता से अपील करना चाहूंगा, आप धरना प्रदर्शन दें, जाम लगाएं और जब तक जाम ना खोले, जब तक सरकार की और अधिकारियों की और नेताओं की नींद ना खुले, तब तक ना खुले, तब जाके समस्याएं हल होंगी, नहीं तो ये इसी तरह हमारे साथ करते रहेंगे। धन्यवाद। चले राम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश कुमार हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर। नमस्कार सुरेश जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। आज मेरी गुड़िया 5 साल की गुड़िया है जिसके गले में टीप भी हो गई थी जी। एक साल हो गया, बोले खाता खुलाओ, खाते में सरकार झूठे दावे बताने वाले 500 रुपए दे रहे हैं। हमारी तो गुड़िया के एक साल हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया, खाते में 10 चक्कर काट लिए अस्पताल के। सुरेश जी, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं लेकिन आज का मसला अलग है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या हो वो संबंधित विभाग और अधिकारियों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बहुत कम समय इस कार्यक्रम में रह गया है, कॉल कीजिए और विषय से संबंधित जो सवाल है उन तमाम सवालों पर जुड़कर आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, साथ ही हल्ला बोल भी आप कर सकते हैं। कॉल करें 01244829011 या 12 पर। बहुत कम समय रह गया है कार्यक्रम में लिहाजा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ मोहनलाल हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर। नमस्कार मोहनलाल जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको तो फिर भी मतलब जनता की फिक्र है, आपको चाहने का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप बिजली पानी दुनिया की समस्या को जानते समझते हैं, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं समझती,
जिनका दावा भी जो इतने इतने बड़े अधिकारी जो इतने इतने बड़े पैसे भी लेते हैं लेते हैं, हर चीज की को गुंजाइश होती है। आपने तो फिर भी जनता की परेशानियों को समझा है, वो बातचीत करी है, वो करे लोग परेशान है, लेकिन ये सरकार जो अधिकारी जो इतने इतने बड़े पे लेती है वो लेती है, वो क्यों नहीं समझती? नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉल कीजिए अभी 01244829011112 पर, ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर। तो बहुत कम समय इस कार्यक्रम में रह गया है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। अभय जी, अभय बताएं। हेलो जी, अभय बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, कट-कट की आवाज आ रही, दोबारा करता हूँ। चले, लगता है तकनीकी खामियां हैं, लेकिन अपने तमाम दर्शकों से ये अपील, आप जब भी इस कार्यक्रम में जुड़े कृपया टीवी की आवाज को कम कर दें। बहुत कम समय इस कार्यक्रम में रह गया, लगभग समाप्ति की ओर कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िए और अपनी राय को आप यहां पर साझा कर सकते हैं। इसलिए विभाग के अधिकारियों पर आरोप कि वो समय पर फोन अटेंड नहीं कर सकते हैं। प्रदीप हमारे साथ अगले कॉलर है फोन लाइन पर। नमस्कार प्रदीप जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हक कभी भी मांगने से छीनने से मिलते हैं, हक कभी मांगने से। वो दूसरा आ गया उस पे। बिल्कुल प्रदीप जी, हम समझ सकते हैं, आपने कहा कि हक कई बार मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलते हैं, और यही आलम प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात कही है। तो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और कमोबेश इन सभी ने अपना आक्रोश जारी रखा और सभी ने ये कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ